चार चीजों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से ये जो अर्थ वाले भाई साहब हैं, इनके बिना कुछ संभव नहीं होता। यहां मैं आपको एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं कि अर्थ का मतलब केवल मनी यानी पैसा नहीं है। अर्थ का मतलब पैसा कमाने, बचाने और सही इस्तेमाल करने का पूरा मनोविज्ञान होता है। और ये जो अर्थशास्त्र हैं, वो कभी किसी भी उम्र में आपके भीतर सक्रिय हो सकता है। अब देखिए ना, एक बच्चा है कार्तिक चौधरी, 16 साल की उम्र है इन भाई साहब की, लेकिन बड़े व्यापारी हो गए। आइए देखते हैं और सीखते हैं चौधरी साहब से। दीवार फिल्म में बेईमान अमिताभ बच्चन ईमानदार शशि कपूर से कहते हैं कि आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तब शशि कपूर जवाब देते हैं कि मेरे पास माँ है। तो जब जब बेईमानी और ईमानदारी की बात आती है, तब तब माँ वर्सेस इन सभी चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। 60 का एक वो दौर था जब इन सभी चीज़ों को पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं बेईमान होना पड़ता था, और एक आज का दौर है जहाँ पर युवा पीढ़ी ईमानदार है, उनके पास अपनी खुद की गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, खुद का बिजनेस सेटअप है, और इस सब के साथ उनके पास माँ और अपना परिवार भी है। क्यों? क्योंकि ये बदलते इंडिया की नई तस्वीर है, और आज हम आपको इसी बदलते इंडिया के नई तस्वीर के युवा चेहरे से मिलवाने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या है इस युवा चेहरे के पीछे की कहानी। मेरा नाम कार्तिक चौधरी है और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी एज 16 है और मैं इस समय डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं फाउंडर और ओनर हूँ हाइना मीडिया का। तो हाइना मीडिया एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसमें हम सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल प्रेजेंस इंक्रीज करना, प्रेस रिलीज एंड वेबसाइट क्रिएशन, एड्स वगैरह। तो ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। हम लोग हाइना मीडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस साल और आने वाले सालों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो रहने वाला है। बिकॉज जो ब्रांड्स हैं, नए नए लोग कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्टअप्स इतने सारे आ रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है आगे आने वाले ईयर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ में। तो इसलिए हम अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 2 से 3 साल पहले मैं कुछ चाहता था, कुछ करना, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहता था, जो कि मेरी एज ग्रुप के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं किया। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था, तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, मैं लैपटॉप में सर्व कर रहा था, आई वॉज़ रिसर्चिंग, तो मेरे सामने डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कॉन्टेंट आया। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में और ज़्यादा रिसर्च करी और ज़्यादा इस फील्ड में, और मतलब अलग अलग वेबसाइट्स पे भी इन्फॉर्मेशन ली। तो मैंने देखा कि काफ़ी स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग में आगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ डिजिटल एरा में कुछ ना कुछ आ रहा था। तो आई थॉट कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्टअप करते हैं, जिसमें हम ब्रांड्स को हेल्प करेंगे ग्रो करने में और लोगों को भी हेल्प करेंगे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने में। जब इसने मुझे इस बारे में बताया तो उस वक्त ये 8th स्टैंडर्ड में था, यानी अब से ये लगभग 4 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की। तो मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर होने के नाते मुझे लगता है कि एकेडमिक्स फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं थी, लेकिन इसके पापा
और इसके दादाजी वो हमेशा बिजनेस माइंडेड रहे हैं, तो उन्हें ये लगता है कि हाँ बिजनेस ही करे बच्चा, जॉब में ना जाए। और इसका खुद का भी यही मानना था कि मम्मी मुझे 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी है। ये हमेशा से ही मतलब इतनी छोटी उम्र से ही बिजनेस माइंडेड, तो मैंने सोचा कि हाँ बच्चा है कोई बात नहीं, बड़ा होते होते माइंड बदल जाएगा। फिर जब मैं इसका 10th के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले थे, तो उस वक्त हमसे एक फॉर्म भरवाया गया, तो हमसे कहा गया कि मैम कार्तिक के लिए सब्जेक्ट्स भर दीजिए जो ये 11th में लेना चाहता है। तो मैंने वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, एंड फिर उन्होंने कहा मैम कार्तिक के भी साइन चाहिए इस पर। तो मैंने कहा कार्तिक बेटा साइन कर दो आकर, मम्मा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, फाड़ो इसको, मैं नहीं लेने वाला हूँ ये सब। फिर मैंने इसके पापा को बोला, मैंने कहा समझाओ इसे, ये ऐसे बोल रहे थे, कहते कि अगर बच्चा नहीं लेना चाहता तो आप कुछ भी उससे प्रेशर करवा सकते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं करवा सकते हो आप उससे। तो अगर ये नहीं लेना चाहता तो मैं भी इसी का सपोर्ट करूँगा, इसी का साथ दूँगा, तुम ये मत भरो। तो फिर हालांकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी उस वक्त, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं लेना चाहता, ठीक है भरो अपने सब्जेक्ट। तो इसने कॉमर्स चूज़ किया, और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया। उस वक्त इसका 10th फाइनल होते ही उस वक्त लॉकडाउन लग गया था, और तब इसको इसमें और ज़्यादा ये इसमें घुसता चला गया। और उसके बाद की तो स्टोरी आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम वगैरह पर इसने अपनी कंपनी बनाई हाइना मीडिया, और सब कुछ आगे बढ़ता चला गया। तो हाँ, अब मैं हूँ इस फेवर में कि हाँ, जैसे लॉकडाउन में कोविड में हमने देखा कि जॉब्स चली गई लोगों की, तो हाँ बिज़नेस ठीक रहता, मतलब एक तरह से एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ो, लेकिन हाँ उसके अलावा भी एक आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर नौकरी नहीं तो क्या। मेरी स्कूलिंग भी चल रही थी और अब भी चल रही है, मैं भी 12th स्टैंडर्ड में हूँ जैसे मैंने बताया। तो मेरी स्कूलिंग सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो साथ में स्टडीज़ को भी कोऑर्डिनेट करते हुए मेरे को ग्रो करना है। तो घर वालों को कन्विंस करना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि भाई घर वाले माने कि मैं बिज़नेस को स्टार्ट करूँ। तो मेरे फादर तो मतलब अच्छे से मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया तो वो मान गए, बट मेरी मदर क्योंकि वो टीचिंग बैकग्राउंड से थी, टीचर है मेरी मदर, तो इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई उन्हें एक्सप्लेन करने में कि ये मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ऐट फर्स्ट वो नहीं मानी, और फिर मतलब मैंने और ज़्यादा कन्विंस किया और ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया इस चीज़ का, फिर भी आई थॉट कि वो मान तो गई, मतलब शी शोड दैट शी इज़ विद मी, बट मेरे को लग रहा था कि मन में कुछ है ऐसा कि भाई नई सेटिस्फेक्शन है। तो मैंने काम करा, मैंने क्लाइंट्स गैदर करे, मैंने मतलब पूरा अच्छे से काम किया और ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करे, तो मेरी मम्मी को लगा कि यस कार्तिक कुछ कर रहा है और मैं कुछ कर सकता हूँ आगे इस फील्ड में ना। जैसे मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ तो ये भी इसका भी इंटरेस्ट बिज़नेस में था, तो इसने मुझे मेरे पास आया एक दिन, बोला पापा मुझे ऐसे ऐसे करना है। फिर मैं इसका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिकेट में था, मैंने सोचा चलो क्रिकेट में भेज देता हूँ, तो क्रिकेट में दिखाया, क्रिकेट में गया, बट धीरे धीरे फिर ये थोड़ा सा इसको टीवी वगैरह देख के, न्यूज़ जैसे मूवी वगैरह देख के, तो इसका इंटरेस्ट थोड़ा इस लाइन की तरफ बढ़ा के बिज़नेस करूँ या फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ या फिर कुछ ऐसा कुछ बिज़नेस लाइन में। इसको मैंने कभी इसको मैंने सपोर्ट किया हमेशा कि आगे बढ़े, तो किसी भी फील्ड में जाए मैं इसको पूरा 100% दूंगा, मैं जहां भी जाएगा जैसे भी करेगा। हर इंडस्ट्री में बड़े लोग हैं, सबके पास इतना एक्सपीरियंस है, सबके पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफिसेज हैं, बट हमें अगर मार्केट में कुछ करना है, अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। आपके अंदर वो एक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आपको क्राउड से अलग करे। तो मैंने बहुत स्ट्रगल करके इतने कॉन्टैक्ट्स बना के इंडस्ट्री में अपने, ऐसा काम करके कि भाई लोग मेरे को जाने, मैंने ऐसे करके अपना नाम किया और बड़े लोगों के साथ मीटिंग करी। उस टाइम पे मैं मतलब इतना मैच्योर भी नहीं था, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा बड़े लोगों से डील करना, डील क्रैक्स करना। बट अभी जैसे आगे आगे जाके मैंने काम किया, इतना बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, तो अब जो मेरे में मैच्योरिटी आया, कॉन्फिडेंस आई कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, तो नाउ आई एम इनफ कॉन्फिडेंट कि अब आई कैन कोप अप इन एनी एनवायरनमेंट। और मैं कैसे भी तरह के लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, चाहे वो जितना भी एक्सपीरियंस उनके पास हो, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, मैं हर तरह की चीज़ जानता हूँ इस इंडस्ट्री में। सो नो वन कैन यू नो सेम ही कि आपने अब तो कुछ किया नहीं है तो हम आपको कैसे काम दें। आई हैव माई वर्क प्रोफाइल, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो
जैसे ही फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती थी, सबसे पहले क्लाइंट का रिएक्शन ये होता था कि भाई आपकी एज क्या है। तो जैसे ही मैं बताता था कि भाई मैं 15 साल का हूँ या इस साल 16 साल का हूँ, तो सबसे पहले उनका यही मतलब मेरे को लगता था कि उनके माइंड में यही चल रहा है कि भाई ये क्रैक कर पाएगा डील या नहीं कर पाएगा। पर जब मैं उन्हें अपना वर्क प्रोफाइल दिखाता था कि मैंने इतना काम करा हुआ है, और बहुत सारे क्लाइंट्स को तो मैं सबसे पहले अपनी एज भी नहीं बताता था कि वो जज ना करे कि मैं काम कर पाता कर पाऊँगा या नहीं। तो मैंने क्या किया इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, मैंने उन्हें अपना पहले काम दिखाया बिना किसी एडवांस पेमेंट के, बिना उन्हें उनसे कुछ लिए मैंने उन्हें आउटपुट दिया, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है बिज़नेस में कि आप आगे भी काम कर रहे हो पर आप कुछ ले नहीं रहे। तो मैंने उनको पहले काम करके दिखाया, मैंने उन्हें इतना वो कर दिया, अपना मतलब क्रेडिबिलिटी बना ली अपनी कि वो मेरे को काम दे सकते हैं, दे कैन एश्योर कि मैं काम कर सकता हूँ और वो लोग मेरे पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो मैंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई कि वो लोग मेरे पे ट्रस्ट करने लग गए, सब लोग जो लोग मेरे को छोटा मानते थे, छोटा मान के काम नहीं देते थे, अब वो लोग भी काम देते हैं। मैं और वो लोग बाकी जो क्लाइंट्स हैं मेरे उनसे भी फीडबैक लेते हैं कि भाई कार्तिक ने आपका काम किया है, तो वो हाँ बोल देते थे और एट द लास्ट डील मेरे पास आ जाती थी। मैंने बस अपनी नॉलेज इन्वेस्ट की थी, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था, मैंने टाइम लगाया था, नॉलेज गेन की थी, फिर गेन करके मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। फिर जो मेरा पहला क्लाइंट था, आई रिमेंबर एट दैट टाइम जो मेरा पहला क्लाइंट था, मैंने पहले क्लाइंट से जो प्रॉफिट निकला वो ही इन्वेस्ट किया। स्टार्टिंग के 5 क्लाइंट्स जितना भी प्रॉफिट निकला मैंने सब कुछ इन्वेस्ट किया, वेबसाइट बनाने में, ऐप बनाने में, इंस्टाग्राम पेज ग्रो करने में, मैंने सब कुछ इन्वेस्ट किया। बट जब अच्छे से मेरे को लगा कि भाई अब और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तब मैंने अच्छे से क्लाइंट्स वगैरह स्टार्ट करे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो किसी भी पीयर ने इन्वेस्ट नहीं किया, किसी से मैंने इन्वेस्टमेंट मांगी नहीं है। मैंने अच्छे से प्लान बनाया था कि जो क्लाइंट से प्रॉफिट निकलेगा वो मैं खुद पे नहीं खर्च करूँगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा कंपनी में। ऑलमोस्ट 50 से ऊपर सॉन्ग प्रमोट कर चुके हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है जिनका टारगेट है मेरे मन में, वो भी अब तक 150 से 200 सॉन्ग्स कंप्लीट करें। तो मैंने एक साल में अगर मैं 50 सॉन्ग्स प्रमोट कर चुका हूँ, तो ये मेरे लिए एक पर्सनली बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे वो किसी और के लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड मैं अपने आप को काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि मैं यहाँ तक आया हूँ। फीलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स, तो मेरे एक्सप्रेशन से आपको लग रहा होगा आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि हाँ मेरे बेटे ने ये करके दिखाया है। आई एम ओवर द मून नाउ। इंस्पिरेशनल मॉडल है वो है एलन मस्क, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा कंपनीज है, सब लोग उनसे एडमायर होते हैं, तो मैं पर्सनली भी उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। और मेरी खुद की इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, और मैं उनसे भी ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर से कोई मोटिवेट नहीं होगा, सब लोग चैलेंज करने में लगे रहते हैं कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ, लेकिन मैं मोटिवेट होता हूँ सबसे। मैं ये देखता हूँ कि भाई सेम इंडस्ट्री है, वो लोग इतना ऊपर है और मैं उतना नहीं हूँ। उनके पास मंथली 20 क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरे पास 10 आ रहे हैं, तो मैं एज ए इंस्पिरेशन लेके चलता हूँ। मैं कंपटीशन नहीं देखता, मैं इंस्पिरेशन देखता हूँ। लोगों की एक पूरी जिंदगी बीत जाती है एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने में, उसे एस्टैब्लिश करने में, लेकिन कार्तिक ने महज 16 साल की उम्र में खुद को बतौर एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश किया है। और कार्तिक उन तमाम युवाओं के लिए मिसाल है जो जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं, बनना तो चाहते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन यदि बिजनेस में जब तक रिस्क का तड़का नहीं लगेगा, तब तक आप बिजनेस से इश्क नहीं कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। पैसा खुदा